हैं, यहाँ पे से कोई है, कोई रेडी वाला बैठा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं। तो क्या करता है, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट वन आईसीएस पार्ट वन के चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का आगाज। जी हाँ, अगर आप जानते हैं तो 9th क्लास में ये चैप्टर नंबर 6 था, लेकिन यहां पर ये चैप्टर बड़ी डिटेल के साथ मेंशन है, एक एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कॉलेज लेवल के लिए। तो बच्चों, आपके दिनों में जितने भी सवाल वर्क से रिलेटेड हैं, आज इंशाल्लाह क्लियर होने जा रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं, हमारे पिछली वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, सर वर्क क्या है, वर्क मैक्सिमम कब होता है, वर्क मिनिमम क्या है, डेली लाइफ में वर्क किसे कहते हैं, फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं, वर्क का ग्राफ एक्सप्लेन कर दीजिए, वर्क के लिए कौन कौन सी शराइत फॉलो करना जरूरी है, ये सारे सवाल इंशाल्लाह, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है ये बता दीजिए आज के सेशन में, आज के इस लाइव सेशन में इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होने जा रहा है। जल्दी से इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी रोज लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों एक्टिव हो जाइए, जल्दी से जान डाल दीजिए क्लास में, और बहुत से बच्चे जब एक्टिव होंगे सो बहुत सबका भला होगा, और घर में आप विंटर वेकेशन मेरा ख्याल है मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मौसम में उम्मीद करता हूं सबके यहां बड़ा जबरदस्त होगा और आप लोग भी फिट फाटी होंगे। तो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी मैं बताता चलूं, वर्क एनर्जी का मीनिंग क्या है, वर्क और एनर्जी हमेशा इकट्ठे क्यों आते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है या नहीं है, आज के लेक्चर में सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आपके जहनों में जितनी मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके जहनों में, वो सारे इंशाल्लाह आज का लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप धड़ाधड़ हर किसी को जवाब दे सकेंगे, ये है, ये इस वजह से है, ऐसा यूं है, और बहुत सी चीजें मैंने यहां पर आपके टॉपिक से हट कर भी एक्सप्लेन की हैं ताकि आपकी इधर उधर की एक्सप्लेनेशन भी क्लियर हो। आगे आपने ई कैट एमडी कैट में अपेयर होना है तो सारे क्वेश्चंस आपको आ सके। ऐसा लोज आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग 2022 में पेपर्स आने हैं, तो वो भी सवाल आप साथ में बताता जाऊंगा, एमसीक्यूज क्या आएंगे, शॉर्ट क्या आएंगे, सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट कर देते हैं। वर्क एंड एनर्जी, देखिए वर्क करने के लिए, काम सरंजाम देने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सुबह आप उठते हो तो एनर्जी ना होने के बराबर होती है, कुछ भी काम करने की सलाहियत नहीं होती, थका थका जिस्म होता है, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी के सारे मसल्स को एनर्जी पहुंचती है, स्टमक सब कुछ आप जानते डिसॉल्व करता है और बॉडी के पार्ट्स को मुहैया करता है, फिर हम काम करने के काबिल होते हैं। इसका मतलब किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। गाड़ियां चलेंगी तो एनर्जी पर पेट्रोल होगा तो चलेंगी, वरना सीधा आगे से उनकी तरफ से जवाब है, भाई मैं नहीं चल रही, बाइक हो गाड़ी हो कुछ भी हो एनर्जी होगी चलेगी। सुबह आपने कपड़े प्रेस करने हो, इस्त्री चलानी है, आयरन चलानी है, एनर्जी होगी, बिजली होगी तो चलेगी, ये लाइट चालू है एनर्जी पीछे से आएगी तो चलेगी। सो इसका मतलब वर्क परफॉर्म करने के लिए, वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी का होना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम वर्क और एनर्जी को बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे, जानेंगे और बहुत ज्यादा इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपके इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, वो है वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स। अब आप अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर कांस्टेंट फोर्स क्या है, वर्क के अंदर कांस्टेंट फोर्स ही क्यों है, वेरिएबल फोर्स क्यों नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। ये पहला टॉपिक है जो बोर्ड में ज्यादातर एमसीक्यू के तौर पर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनने के कोई चांसेस नहीं है, ना कभी बना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू के तौर पर आएंगे, एमडी कैट में ई कैट में इस तरह के सवाल आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बता दूं कि हमारी डेली लाइफ में हम वर्क किसे कहते हैं, हम वर्क किसे कहते हैं डेली लाइफ में, हमने वर्क किसको कहा हुआ है। देखिए, कोई बंदा अपने रूम में बैठा लैपटॉप यूज कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, मोबाइल पर खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कहेगा मैं वर्क कर रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उसके अंदर उसकी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, थक जाएगा कुछ देर बाद भी, उसे डाइट लेनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क परफॉर्म कर रहा है बैठा बैठा अपनी जगह पर। दूसरी तरफ
आप खेल कूद रहे हैं बहन भाइयों के साथ, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, वो तो नजर आ रहा है, वर्क कर रहे हैं, पसीना छूट रहा है, या आपकी एनर्जी आहिस्ता 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 एनर्जी लेवल जीरो की तरफ जा रहा है, फिर आप लंच करेंगे, फिर वर्क कर सकेंगे, फिर रात को आप डिनर करते हैं, पूरी रात फिर गुजरती है इससे। इसी तरह आपने कोई अपना बैग उठाया हुआ है, ट्यूशन से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो आप वर्क कर रहे हैं, कोई चीज सर पे उठाई हुई है, अक्सर आपने देखा होगा खवातीन ने वो बड़े बड़े वो पानी से बड़े उठाए होते हैं सुराहियां वगैरह, वो पानी से भर के लेके आ रहे हैं, वो भी वर्क है। इसी तरह से प्यारे बच्चों कुकिंग कर रहे हैं आप किचन में पूरा दिन खड़े, ऑफकोर्स आप वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन फिजिक्स के अंदर वर्क परफॉर्म होने के लिए कुछ शराइत हैं। जी हाँ, ये सारी जो सिचुएशन मैंने मेंशन की ये डेली लाइफ में तो वर्क है क्योंकि इनके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिजिक्स के अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही हो लेकिन फिर भी वर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्क के लिए दो शराइत को, दो कंडीशन जो फॉलो करना, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स का लगना और उसके नतीजे में क्या पैदा होना, डिस्प्लेसमेंट पैदा होना। कंडीशन तो नहीं, आप कह लेते हैं दो ऐसी चीजें अगर किसी बॉडी पर मौजूद होंगी, बॉडी फोर्स महसूस करनी होगी और उसके नतीजे में उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा फोर्स की सिमत में, तो मान लीजिए बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है, वर्क परफॉर्म कर रही है, आपके ऊपर फोर्स लग रही हो, आपकी बॉडी फोर्स लगा रही हो और डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा हो, तो देखने वाला कहेगा ऑफकोर्स ये वर्क कर रहा है, आपकी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, आपकी फोर्स जो अपने वजूद पर लगाए। आइए डेफिनेशन जान लेते हैं फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स में कहते हैं कि वर्क को प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है दो चीजों की, किसकी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जानते हैं अददी कीमत, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, किसी वेक्टर की अददी कीमत, किसी फिजिकल क्वांटिटी की अददी कीमत, वैल्यू 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 मीटर, 10 मीटर, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स यानी दो चीजों की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स का लफ्ज है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी मैग्नीट्यूड किसकी, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा, यहां मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के नतीजे में पैदा होता है, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड एंड द कंपोनेंट, जस्ट फोर्स नहीं, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जी हाँ, फोर्स के कंपोनेंट क्या जी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की सीमत में हो, डिस्प्लेसमेंट की सीमत में जो कंपोनेंट होगा आगे चल के बताऊंगा, वो एफ एक्स होता है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मैग्नीट्यूड, तो इस कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड आगे चल के बताऊंगा, एफ कॉस थीटा आएगी और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डी आएगी, ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन को वर्क कहा जाता है, ये है डेफिनेशन। आगे चल के आपको इंशाल्लाह एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो इतनी मुश्किल आपको तारीफ लग रही है, आगे जब पॉइंट समझेंगे वन बाय वन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए फिर इसका मतलब रूटीन के अंदर जो वर्क है कुछ इस तरह से है, जिसमें हम क्या कर रहे हो, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, हमारी तरफ से फोर्स लग रही हो और हम क्या कर रहे हो, ये इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं इसे लेके जाने में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ पैदा हो रहा है, ये है एग्जाम्पल ऑफ वर्क। इसी तरह से आप लोग ग्रोसरी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या आपके पास अपना स्कूल बैग होगा जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं, टायरों वाला बैग, बहुत शौक होता था बचपन में टायरों वाला बैग लेना, तो बच्चों वो बैग खींचते हुए या ट्रॉली खींचते हुए आप फोर्स लगाते हो, उसी की सिमत में क्या पैदा होना, डिस्प्लेसमेंट पैदा होना, इन दोनों की, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसका मतलब वर्क की डिपेंडेंस दो फैक्टर्स पर है, कौन कौन से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी सादा लफ्जों में अगर मैं कहूं, कोई बॉडी वर्क कब परफॉर्म करती है, आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द देख लिए, मामा बाबा भाई बहन गाड़ियां जहाज जितनी चीजें परिंदे हवा के मालिक्यूल्स, ये वर्क कब परफॉर्म करते हैं, या फिजिक्स में ये वर्क कब होगा, जब इन बॉडीज पर फोर्स लगे, या ये बॉडीज फोर्स लगा रही हो, खुद से एनर्जी होगी तो फोर्स लगा सकेंगी, या कोई इन पर आके फोर्स लगाए और इन बॉडीज के अंदर क्या पैदा हो, फोर्स की डायरेक्शन में, जिस तरफ फोर्स लगी
उसी तरफ क्या पैदा हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा हो, जिस तरफ फोर्स लगे उसी तरफ ये चल पड़े या उसके साथ एंगल बना के चल पड़े, तब वर्क है, अदरवाइज वर्क नहीं है। अदरवाइज आप कॉमन लाइफ में उसे वर्क कह सकते हैं क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, फिजिक्स के अंदर वो वर्क नहीं है। आइए वन बाय वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो डेफिनेशन में लफ्ज आया, फोर्स का लफ्ज आया, मैग्नीट्यूड का लफ्ज आया, डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज आया, सब कुछ मैं आपको समझा दूं। देखिए टॉपिक में याद रखिएगा, वर्क की डेफिनेशन में जो फोर्स इस्तेमाल होती है वो कांस्टेंट फोर्स है। वर्क हमेशा कांस्टेंट फोर्स की वजह से होता है, और कांस्टेंट फोर्स कौन सी होती है पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसकी एग्जांपल बताता हूं। कांस्टेंट फोर्स किस बला का नाम है, कांस्टेंट फोर्स ही क्यों, वेरिएबल फोर्स क्यों नहीं वर्क की डेफिनेशन में। हूज मैग्नीट्यूड डज नॉट वेरी विद टाइम, ऐसी फोर्स जिसकी कीमत वक्त के साथ बदलती नहीं है, वक्त के साथ बदलती नहीं है। अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू अगर 2 न्यूटन है तो वक्त के साथ 2-4 सेकंड के लिए वो 2 न्यूटन रहे, 1-8 सेकंड के लिए वो 2 न्यूटन रहे, थोड़े वक्त के लिए वो 2 न्यूटन रहे, ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टेंट फोर्स। अब आप पूछेंगे सर इसकी एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं जी ग्रेविटेशनल फोर्स। प्यारे बच्चों जमीन पर जब आप खड़े हैं वक्त के साथ ये फोर्स चेंज नहीं होती, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह, आप यहां खड़े हो, वहां खड़े हो, वहां खड़े हो, क्या होगा, ये वक्त के साथ चेंज नहीं होगी। ग्रेविटेशनल पुल जमीन की, जिसको आप अपना वजन भी कहते हैं, वो वक्त के साथ चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे 5 मिनट पहले ये था मेरा वजन, 20 न्यूटन था, आगे 5 सेकंड के बाद 25, वक्त के साथ चेंज ना हो, ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स। और वर्क की डेफिनेशन में कॉन्स्टेंट फोर्स है, बॉडीज के ऊपर कॉन्स्टेंट फोर्स है, चाहे 2 सेकंड के लिए लगे, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, नैनो सेकंड के लिए लगे, लेकिन वो फोर्स कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तब जो क्वांटिटी आपके पास हासिल होगी, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आएगी वो क्या होगा, वर्क होगा इन फिजिक्स। दूसरी तरफ कांस्टेंट फोर्स की बहुत सी एग्जांपल है, सिर्फ मैं यहां 3 के नाम जिक्र कर रहा हूं। फ्रिक्शनल फोर्स, जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सरफेस पे तो डिपेंड करती है, 9th क्लास में आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, फ्रिक्शनल फोर्स टायर और रोड पर डिपेंड करती है, दो जो कॉन्टेक्ट में सर्फेसिस है उन पर डिपेंड करती, लेकिन ये वक्त पर डिपेंड नहीं करती जी। 5 मिनट पहले ये थी तो 5 मिनट बाद ये होगी, तो 10 मिनट बाद ये होगी, फ्रिक्शनल फोर्स टाइम पर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी फोर्सेज जिनकी कीमतें 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, जो 10 मिनट पहले थी वही 10 मिनट बाद होगी, 1 घंटे पहले 50 न्यूटन थी तो 1 घंटे बाद भी 50 न्यूटन रहेगी। ऐसी फोर्स जो अपना रंग ना बदले, जो अपनी कीमत ना बदले, जो अपनी अवधि कीमत चेंज ना करे वक्त के साथ साथ, जैसे घड़ी की सुई टिक 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 करती जा रही है, इसकी कीमत बदलती ना जाए, ऐसी फोर्स को कॉन्स्टेंट फोर्स कहा जाता है। और वर्क की डेफिनेशन के अंदर वर्क परफॉर्म होने में कॉन्स्टेंट फोर्स का रोल है। तीसरी तरफ अप थ्रस्ट फोर्स, इसका मतलब हम कांस्टेंट फोर्स से घिरे हुए, हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी फोर्सेस कांस्टेंट है, जी हाँ वेरिएबल फोर्सेस भी हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द कांस्टेंट फोर्सेस भी हैं, तो हम वर्क की जो डेफिनेशन करते हैं उसमें कांस्टेंट फोर्स आती है। अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स को क्या कहते हैं जी, जब आप पानी पर तैर रहे हैं, पानी खासतौर पर इसका लफ्ज पानी के लिए यूज करते हैं, या आप किसी सरफेस पर बैठे हैं, जितनी फोर्स आपको नीचे से मिलेगी वो अपथ्रस्ट फोर्स है। कोई जहाज तैर रहा है, बहरी जहाज, कोई बोट, कोई कश्ती पानी पर तैर रही है, उसे नीचे से जो फोर्स मिलेगी वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती, जो एक दफा मिल रही है वही 1 घंटे बाद, वही 10 घंटे बाद, वही 20 घंटे बाद, क्योंकि सरफेस एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी, ऐसी फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। और बहुत सी फोर्सेस हैं, जी हाँ मैंने 3 फोर्सेस का यहां जिक्र किया जो कि कांस्टेंट फोर्सेस हैं। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स का सर आपने जिक्र किया, वो तो बताइए, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सर यहां तक तो समझ आ गई कि ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में पहली चीज है डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना शर्त है, कंडीशन है उसका शिफ्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह आपको नजर आए वो शिफ्ट हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, मुंतकिल हो रही है। चलो ये तो समझ आया कि प्रोडक्ट में उसकी मल्टीप्लीकेशन में एक चीज तो डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी क्या है, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जबकि साथ में लिखा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स और साथ लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो सर जी फोर्स के कंपोनेंट भी होते हैं, जी हाँ मैं आपको रिव्यू करवा दूं, आपकी मेमोरी रिकॉल करवा दूं। प्यारे बच्चों 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, याद आया, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस,
फोर्स को तोड़ा जा सकता है, फोर्स को स्प्लिट किया जा सकता है, फोर्स के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, एक्स अलोंग हॉरिजॉन्टल जमीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल, जिस तरह से मैं खड़ा हूं जैसे लेट जाएंगे तो एक्स कंपोनेंट खड़े हो जाएंगे तो वाई कंपोनेंट। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये देखिए कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब कोई फोर्स कांस्टेंट किसी बॉडी पर अप्लाई होती है मेकिंग एन एंगल, अगर वो एंगल बना रही है, मैंने आपको डायग्राम से शो करवाना है कंपोनेंट बना के, ऐसे नहीं आपको बता देना कि यहां जो डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इसका मीनिंग क्या है गौर कीजिए। ये आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो, अक्सर घर के अंदर ऐसी नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है, कोई ट्रॉली खींचनी पड़ जाती है, कोई आपकी टीवी ट्रॉली है, कोई आपका वो जी आयरन करने वाली इस्त्री करने वाला टेबल है उसे खींचना पड़ जाता है, डाइनिंग टेबल को खींचना पड़ जाता है, ये ट्रॉली है जिसे आप खींच रहे हो, या लॉन मोवर है, लॉन मोवर का पता होगा घास काटने वाला लॉन की, जी हाँ वो भी इस तरह का होता है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, गौर कीजिएगा ये आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ये इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, गौर कीजिएगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, एंगल बन रहा कि नहीं बन रहा, और आप मुझे बताइएगा ये लॉन मोवर जो है, ये जो आप ट्रॉली खींच रहे हो, ये जो भी चीज है मुझे बताइए क्या ये आपकी फोर्स की सिमत में आ रही है, तो जवाब होगा नहीं सर मैं तो इसे इस तरफ खींच रहा हूं लेकिन ये तो जमीन के साथ साथ जा रही है। इससे ये पता चला कि यहां पर फोर्स का कोई कंपोनेंट एक्टिव है जो इसे एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करवा रहा है, फोर्स का कोई कंपोनेंट एक्टिव है। आगे चल के देख लीजिए, ए जगह से ये ट्रॉली बी पर शिफ्ट हो गई, ए से ये ट्रॉली बी पर शिफ्ट हो गई, और शिफ्ट करने में फोर्स का रोल है, फोर्स ने इसके अंदर क्या पैदा किया, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ने इसे ए से बी पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है, फोर्स खुद एक्टिव होती तो ट्रॉली को ऐसे जाना चाहिए था, आपके हाथ की सिम्मत में जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात, अगर फोर्स की सिम्मत, फोर्स एक्टिव होती खुद, फोर्स इस पर असरअंदाज हो रही होती खुद, तो क्या होता ये ट्रॉली इस तरफ जाती, जी हाँ जो भी आप चीज खींच रहे हो ये इस तरफ जाती, स्कूल बैग था नीचे, मैंने बहुत सी एग्जांपल जोर भी दिए, इस तरफ जा रही होती लेकिन तो ये जमीन के साथ साथ जा रही, इसका मतलब ये बॉडी फोर्स के एक्स कंपोनेंट, यहां फोर्स का कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व है, बना के देख लीजिए, ये रही फोर्स जो आप लगा रहे हो, ये बॉडी इस तरफ जा रही जमीन के साथ साथ, उसे पहिए से साथ ये जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा, ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट पैदा ही फोर्स की वजह से होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था आपने, एक्सेलरेशन पैदा ही फोर्स की वजह से होता है, डिस्प्लेसमेंट पैदा ही फोर्स की वजह से होता है, तो यहां भी इसका मतलब फोर्स खुद तो एक्टिव नहीं है, फोर्स का कोई कंपोनेंट एक्टिव है, तो यही बताया जब कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है, और कैसे लगती है, एंगल बना के लगती है, एंगल बना के बॉडी के साथ, ये बॉडी है जी हाँ, एंगल बना के जब इस पर फोर्स लगती है, हैज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, फिर से नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कैसे बनाए वो कंपोनेंट्स, जहां फोर्स एंड हो रही है वहां से परपेंडिकुलर गिराइए, ये परपेंडिकुलर यहां आके गिर गया एक्स एक्सिस पर, तो यहां देखिए ये ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, जी हाँ सब बच्चे एग्री करेंगे सर जी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट पैदा हुआ, तो गौर करिए फोर्स के यहां दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे, थीटा के सामने वाला सब बच्चे जानते हैं सर जी वाई कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला सर जी एक्स कंपोनेंट, जी हाँ यही हमने पढ़ रखा है, बल्कि असल में होता यह है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट है, जितनी वैल्यू ये उतनी ही वैल्यू ये, इसे कहा जाता है वाई कंपोनेंट, इसे कहा जाता है एक्स कंपोनेंट, बजाय इसे कहने के जो वैल्यू ये वही वैल्यू ये, इसका इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में और ये किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब मुझे देख के बताइएगा इस ट्रॉली को, इस चीज को ए जगह से बी जगह लेके जाने में किसका रोल है, ऑफकोर्स फोर्स का ही रोल है, लेकिन फोर्स खुद एक्टिव होती तो ये बॉडी इस तरफ जाती, फोर्स का वाई कंपोनेंट एक्टिव होता तो इस ट्रॉली को किधर को जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, फिर कौन बचा पीछे, फिर पीछे बचा एफ एक्स, इसका मतलब ट्रॉली को ड्रैग करने वाला, ट्रॉली को ए से बी शिफ्ट करने वाला कौन सा कंपोनेंट एक्टिव है फोर्स का, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है, इस वजह से फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, एंगल ना होता तो कंपोनेंट्स ना होते, अब एंगल बन रहा है दोनों वेक्टर्स के दरमियान तो कंपोनेंट्स भी होंगे, तो आपको समझ आ गई कि यहां पर एफ एक्स एक्टिव है जो इस एक्सिस
हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ साथ जमीन के साथ साथ लेके जा रहा है। तो बात समझ आ गई इस डेफिनेशन के, इधर आ जाइए। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बताइए एफ एक्स जो कंपोनेंट है ये किस सीमत में है, एफ एक्स कंपोनेंट किस सीमत में है, क्या डिस्प्लेसमेंट की सीमत में नहीं है? खुद देख लीजिए एफ एक्स किस सीमत में है, मैं कलर यूज करता हूं ब्लैक, बता दीजिए एफ एक्स किस सीमत में है, क्या डिस्प्लेसमेंट की सीमत में नहीं है? तो इसी तरह इसी वजह से कहा जाता है वर्क क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, दो चीजों का हासिल जरब है। कौन कौन सी दो चीजें? मैग्नीट्यूड्स कीमतें वेक्टर्स नहीं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की कीमत, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की सीमत में हो, डिस्प्लेसमेंट की सीमत में हो, डिस्प्लेसमेंट की सीमत में हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगी, वर्क देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। आगे चल के बताता हूं, ये देखिए ये मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स बता दी, कांस्टेंट फोर्स की वजह क्या है, क्यों वर्क के अंदर कांस्टेंट फोर्स है वो बता दी, कांस्टेंट फोर्स से हम गिरे हुए हैं, कितनी फोर्सेस कांस्टेंट हैं उसकी एग्जांपल्स बता दी, कांस्टेंट जी हाँ कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स समझा दिए, क्योंकि वर्क के अंदर डेफिनेशन के अंदर कंपोनेंट ऑफ फोर्स का जिक्र था वो समझा दिया, वाई कंपोनेंट क्यों एक्टिव नहीं है वो बता दिया, क्योंकि वाई कंपोनेंट एक्टिव होता तो उस बॉडी को किधर जाना चाहिए था, वर्टिकली अपवर्ड, ये तो हॉरिजॉन्टली जा रही है। मैं बताऊंगा जब आप किसी चीज को ऊपर उठाते हो तो तब क्या होता है, फिर अभी तो हम चीजों को ड्रैग कर रहे हैं, गाड़ियां जैसे चलती हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं, जैसे चीजों को खींचते हैं, इस तरह की मिसालें दे रहा हूं। अब आइए बेटे मैं इन सबको आपको समझा दूं कहां कहां आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वर्क कर रहे हैं। गौर कीजिए घर में जब भी मामा की कोई पेटी, कोई सामान, कोई बक्सा खींचना होता है तो हम इसी तरह से ड्रैग करते हैं। गौर कीजिएगा हम इसी तरह ड्रैग करते हैं, रस्सी बांध के या कोई चीज उसके साथ करके इस तरह से ड्रैग कर रहे होते हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या बनता है, एंगल, और इसके नतीजे में क्या होगा, जिस सीमत में डिस्प्लेसमेंट, जिस सीमत में फोर्स उसी सीमत में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स एक कंपोनेंट की सीमत में। फोर्स तो कहां लगा रहे हो आप, एंगल बना के, अगर आप एंगल ना बनाते जो गधा करता है, वो बताऊंगा आपको, जो गधा हमसे ज्यादा समझदार है, जब हम गधे को क्या करते हैं किसी रेडी के आगे बांधते हैं तो सबसे ज्यादा वर्क वो कर रहा होता है। आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज होगी, बताऊंगा आगे चल के। इसी तरह से आपसे कहा जाए चेयर, डाइनिंग टेबल के साथ चेयर लगी, वो चेयर तो लेके आना बेटे, तो माशाल्लाह से हम जितने भी होशियार समझदार हैं हम उस चेयर को उठाने की बजाय कुछ इस तरह से घसीट के लाते हैं। सब बच्चे करते होंगे, फौरन से समझदार है, समझ गए होंगे, क्या ख्याल ऐसे ही करते हैं, बस मैं इस तरह से ड्रैग करके लेके जाएंगे। ये देखिए ये आपने फोर्स लगाई, ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या बना, एंगल, ये हो गया वर्क परफॉर्म। और मैं आपको बताऊंगा इस वर्क करने में आपकी एनर्जी जाया हो रही है, इस वर्क करने में आपकी एनर्जी जाया हो रही है, समझदारी क्या है वो भी आगे चल के बताऊंगा, कब आप ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सकते हो, कब आपकी एनर्जी कम से कम इस्तेमाल होगी, कम से कम जाया होगी, ज्यादा से ज्यादा वर्क कब होगा, वो आगे कंडीशन आने वाली है। इसी तरह से बचपन में जब खेलते थे, अब भी माशाल्लाह बच्चे ही हैं, कजन या छोटे बहन भाई हत्थे चढ़ गए तो आप जानते कुछ इस तरह का सलूक उनके साथ करते हैं, या वो कोई 50 का चिप्स या कोई आपकी पसंदीदा चीज मंगवा ले तो उनके हाथ से खींचनी हो तो कुछ इस तरह का हशरा उनके साथ करते हैं, पूरे लोटपोट जमीन पर वो होते हैं और आप उन्हें खींच रहे होते हैं। ये देखिए फोर्स लग रही है और उसी की सीमत में डिस्प्लेसमेंट पैदा करें, फोर्स इस तरफ है लेकिन ये छोटा बेबी या कोई कजन इस तरह से जमीन के साथ साथ तो फोर्स के कंपोनेंट की सीमत में उसे ड्रैग कर रहे हैं, वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो आप घर वालों को कह सकते हैं मैं यहां फिजिक्स का वर्क कर रहा हूं, मैं कुछ कह तो नहीं रहा, छोटे बहन भाई या कजन को मार भी पड़ सकती है। आते हैं जी मैथमेटिकल रिलेशन की जानिब, ग्राफ्स भी समझाऊंगा, वर्क का जो ग्राफ है वो क्या है, डिस्टेंस और फोर्स के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान उससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है वो भी आगे चल के बात करते हैं। पहले मैथमेटिकल रिलेशन देख लीजिए, जो डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन को अप्लाई कर दीजिए तो क्या बना, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है किस किस का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। चैप्टर नंबर टू, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के अंदर आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट की एक एग्जांपल पढ़ी थी जो कि क्या था, वर्क, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके अंदर डॉट प्रोडक्ट आता है और डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसीलिए याद रखिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो भी बताऊंगा क्यों। देखिए फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
दोनों का डॉट लिया तो नतीजा क्या आया आपके सामने आया कॉस थीटा। अब आप समझ जा रहे हैं कॉस क्यों आया क्योंकि आपके सामने मैंने पहले कहा था डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्प्लेसमेंट किस सीमत में होना चाहिए, फोर्स की सीमत में। तो प्यारे बच्चों फोर्स की सीमत में डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक ही शर्त है कि फोर्स क्या आ जाए एफ कॉस थीटा आ जाए। थीटा अगर जीरो हो गया तो सबसे ज्यादा वर्क होगा, थीटा 90 हो गया तो जीरो हो जाएगा। फोर्स की सिम्मत, ये देखिए ना फोर्स की सिम्मत में डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ फोर्स उस तरफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, फोर्स इधर लग रही होती डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रही होती डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रही होती डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट फोर्स। तो याद रखिए वहां कौन एक्टिव होता है जो बॉडी को डिस्प्लेस करता है, जब फोर्स एंगल बनाती है, जब फोर्स एंगल बनाती है, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं छत पे, जी हाँ जैसे किसी चीज को लोड करना हो ट्रक के ऊपर, तो आपने देखा होगा फोर्स की सिम्मत में या फोर्स के कंपोनेंट की सिम्मत में क्या पैदा होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। इस वजह से यहाँ कॉस थीटा आता है और सब समझदार है कॉस थीटा किस प्रोडक्ट में आता है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर। डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में हमेशा रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती है। अब आते हैं आपके सवाल की जाने कि वर्क स्केलर क्यों है। जो वर्क क्या है, वर्क कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का इस्तेमाल है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क क्या है, जब आप काम कर रहे हो आप एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों एनर्जी और वर्क का, जैसे कि हम जानते हैं वर्क एनर्जी का मैंने पहले ही बता दिया इस्तेमाल है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी मैग्नीट्यूड होती है 5 जोल 10 जोल 20 जोल 50 न्यूटन मीटर या 50 जोल, दो तरह के यूनिट है, आगे चल के बताता हूं। तो इसकी कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जिस तरफ मर्जी कर लेंगे आप। तो क्या मतलब पता चला, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कैसे हासिल हुई, दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने से, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से। और यहां कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, फोर्स की सिम्मत में डिस्प्लेसमेंट पैदा होना चाहिए, और फोर्स की सिम्मत में एक ही कंपोनेंट बचता है और वो है कॉस। फोर्स की सिम्मत में डिस्प्लेसमेंट का मतलब, फोर्स की सिम्मत में डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है, जी हाँ, क्या जी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंपोनेंट आपके पास आ गया, जिस तरफ आप डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं फोर्स, फोर्स उसी तरफ लग रही है। अब आते हैं जी जीरो वर्क कंडीशंस, जी हाँ। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ये वर्क क्यों नहीं है, फिजिक्स इन्हें वर्क क्यों नहीं मानती, इनमें से कुछ वर्क है कुछ वर्क नहीं मानती, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया वर्क के लिए जो डिपेंडेंस है वो दो फैक्टर्स हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, जब आप किसी चीज को एक बकेट एक बाल्टी, गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा अक्सर घरों में पानी खत्म हो जाता है, जितना बच्चे बड़े सब क्या पानी की बाल्टियां भरे साथ वालों के पानी से ला रहे हैं, घर से पानी ला रहे हैं या किसी नल से या किसी तालाब से या किसी कुएं से पानी लेके आ रहे हैं, जी हाँ। तो गौर करें वहां पर क्या होता है, फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हो उस बकेट को बास्केट को लेके जाने में, अपवर्ड, आपके बाजू की फोर्स किस तरफ है, अपवर्ड, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, आगे की तरफ फॉरवर्ड। तो दोनों में एंगल देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल चेक कीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बन रहा है, 90, फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधा, दोनों में एंगल 90। तो वर्क का फॉर्मूला एफ कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और साथ में डिस्प्लेसमेंट, दोनों की मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर नहीं लिख रहा मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, वेक्टर थे जब उन्हें खोला तो इनकी मैग्नीट्यूड्स आ गई, एफ कॉस थीटा एफ की मैग्नीट्यूड और डी वेक्टर की डी मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा कितना है दोनों के दरमियान, 90, कॉस 90 की वजह से आंसर क्या आ जाएगा, 0 जोल। इसका मतलब जब भी आप क्या कर रहे होंगे किसी चीज पर अपने हाथ से बाजू से फोर्स लगाते, इस तरह से भाग दौड़ कर रहे होंगे पूरा दिन करते रहिए, एनर्जी तो आपकी इस्तेमाल होगी लेकिन फिजिक्स आपके इस काम को काम नहीं मानेगी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो समझदारी में आपको बताता हूं क्या है, कैसे काम कीजिए जिसमें आपकी एनर्जी भी बचेगी, वर्क भी ज्यादा होगा और घर वाले भी मानेंगे, सारे मानेंगे कि आपने वर्क किया है। अब आते हैं एक और सिचुएशन, आपको कहा जाता है ये दीवार है इसे धकेलो, गिराना दीवार को, अब सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो, पसीने छूट रहे हैं, शाम को एक इंच भी दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती, तो आप आगे घर वालों से कहते हो बड़ा बेहतरीन सा मेरे लिए खाना बनाए, मैंने बहुत वर्क किया है। उन्होंने फिजिक्स पढ़ रखी है, उन्होंने कहा बेटे किधर से, हां जी खैरियत है,
सब ठीक तो है, आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई ना आपको करेंसी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट पैदा ही नहीं कर सके, आप उस चीज को डिस्प्लेस कर ही नहीं सके। आपने अपनी पूरी शक्ति तो लगाई, जान तो लगाई, लेकिन वो अपनी जगह से दीवार टस से मस नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट पैदा ही नहीं हुआ, फोर्स का कोई फायदा नहीं है। तो क्या नतीजा? फोर्स का सारा किया कराया कुएं में, तो क्या नतीजा? एफ कॉस थीटा डी, डी की जगह जीरो पुट किया, आंसर जीरो जोल। ठीक है, ये है वो कंडीशन जब आपका किया कराया वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब मैक्सिमम वर्क कंडीशंस क्या है? एक गाड़ी है, एक कार है, आप उसको अक्सर सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा, इंजन बंद हो जाते हैं, स्टार्ट नहीं हो रहे होते, तो धिक्का लगाना। गाड़ी का जब आप धिक्का लगाते हैं तो आप जिस सिमत में फोर्स लगाते हैं उसी सिमत में डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, एंगल नहीं होता दोनों में, यहां कंपोनेंट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों की सिमत सेम है, दोनों पैरेलल हो गए। और पैरेलल का मतलब है थीटा क्या पुट करेंगे, एफ ओ डी के दरमियान थीटा क्या बन गया, जीरो। पैरेलल कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका आपस में एंगल जीरो हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो प्यारे बच्चों, जब थीटा जीरो पुट करेंगे, कॉस जीरो वन दे देगा, रिजल्ट एफ डी यानी मैक्सिमम आंसर आएगा। आपकी लगाएगी फोर्स सारी के सारी उस गाड़ी को ट्रांसफर होगी और वो तेजी से मूव करेगी। जी हाँ, अगर आप फोर्स क्या करें, बिल्कुल जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट पैदा करना उसी तरफ लगाएं, तो आपका किया गया, आपकी लगाई गई फोर्स जाया नहीं होगी, सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा मैंने मिसाल दी थी, जो गधा है, घोड़ा है, जो टांगे के आगे, छकड़े के आगे लगा होता है, तो आप गौर कर लीजिए वो क्या कर रहा है, बिल्कुल उसका, और पीछे आप बैठे हैं, आप में से कोई है, कोई रेडी वाला बैठा हुआ ऊपर आप देख सकते हैं, तो क्या करता है आप देखिए, जिस तरफ उसका और पीछे बैठे बंदे का लेवल चेक करें, बिल्कुल लेवल है, उसकी लगाई हुई फोर्स, जिस सिमत में फोर्स लगा रहा है उसी सिमत में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो है, उसकी सारी एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से कहते हैं गधा घोड़ा बहुत काम करते हैं जी आपके सामने, बहुत कम एनर्जी उनकी जाया होती है, सारी एनर्जी छकड़े को, इस टांगे को खींचने में इस्तेमाल हो रही है। तो वर्क किसके बराबर, एफ कॉस थीटा डी, एफ ओ डी के दरमियान एंगल जीरो, कोई एंगल नहीं बन रहा, कोई इस तरह से एंगल नहीं है जैसे हम बनाते हैं, हम अकलमंदी नहीं करते, हम भी अकलमंदी करें तो क्या करें हम, इस इन चीजों का मैंने जिक्र किया था, अकलमंदी तो ये थी कि आप चीजों को खींचने के लिए क्या करते, फिर लेट कर इस तरह से या बैंड होकर या रस्सी इस तरह से डालकर आप खींचते, तो आपकी सारी लगाई हुई फोर्स क्या पैदा करती है, डिस्प्लेसमेंट पैदा करती है, और वर्क क्या होता, मैक्सिमम होता, जब एंगल क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो होगा, दोनों की सीमत बिल्कुल सेम होगी, तो वर्क मैक्सिमम जोल्स होगा, ये आपके पास वर्क मैक्सिमम की कंडीशंस आ गई। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको वर्क के मतलब पता होने चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, क्योंकि वर्क जस्ट क्या है, एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस वजह से इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन ना हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे स्केलर कहा जाता है। अगर एंगल 90 से कम हो, किस किस के दरमियान, ये देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल 90 से कम हो बच्चों, तो क्या होगा, एंगल 90 से कम का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल अगर 90 से, ये होता है 90 से कम होगा, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होंगे, वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क जीरो तक होगा, जब पीछे बता चुका हूं जीरो कंडीशन क्या है, जब फोर्स अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ये, फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट ये, जी हाँ, एंगल 90 या 270 बनेगा, तो नतीजा क्या बनेगा, 90 फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एंगल अगर 90 डिग्री बनेगा या क्या बनेगा 270 डिग्री, तो क्या नतीजा बनेगा, वर्क आंसर जीरो आएगा, यही लिखा हुआ है, एमसीक्यूज आते हैं। और वर्क नेगेटिव कब होता है, देखिए वर्क स्केलर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड, अब आपके सामने नेगेटिव वर्क से क्या मुराद होगा, वर्क इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर आप 90 को क्रॉस करके, ये देखिए यहां फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ पैदा हो रहा है, थीटा 90 क्रॉस कर गया, तो वर्क की कीमत क्या होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टिल आगे की तरफ, क्योंकि बच्चे पूछेंगे सर जी ये कब मुमकिन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 से क्रॉस कर जाए, 180 भी तो हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स उस गाड़ी को रोक रही है। मैं मिसाल दे ही देता हूं, ये गाड़ी है, इसको रोकना है, तो फ्रिक्शन फोर्स, जब ब्रेक लगाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, लेकिन स्टिल गाड़ी किस तरफ जा रही, आगे की तरफ, इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि दोनों में एंगल कितना है आप जानते हैं, कॉस 180।
एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ 180 का आंसर -1 आता है। सो इस तरह से वर्क नेगेटिव आ सकता है। अब आते हैं ग्राफ की जाने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ है। अगर फोर्स कांस्टेंट होगी, याद रखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं एक्स एक्सिस पर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बेहतर है कि आप डिस्प्लेसमेंट लीजिए एक्स एक्सिस पर, और फोर्स किस तरह लीजिए वाई एक्सिस पर। फोर्स कौन सी है, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स वर्क की डेफिनेशन में। तो याद रखिए जब फोर्स कांस्टेंट होगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये क्या बता रहा है कि अगर 20 न्यूटन फोर्स थी तो मुसलसल 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट तय होता जा रहा है 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, लेकिन फोर्स अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने ग्राफ्स में से पढ़े हुए हैं, लेकिन वहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ये था जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन अगर हाँ, तो इसके अलावा इस ग्राफ से क्या पता चलता है, ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, इसके नीचे जितना शेडेड रीजन होगा, इसके नीचे जितना साया होगा, इसके नीचे जितना प्रोजेक्शन होगा, उससे आपको वर्क पता चल सकता है। अगर आपने पता चलाना है गाड़ी ने जहाज ने आपने यहां से लेकर यहां तक कितना वर्क किया, तो सिंपल है, इस ग्राफ को यूज करते हुए एफ डॉट डी कीजिए, यहां से कीमत लीजिए एफ की 20, यहां से कीमत लीजिए डी की आज करें 25 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ग्राफ से क्या मिल जाएगा, ग्राफ के नीचे आने वाला, इस लाइन के नीचे आने वाला, स्ट्रेट लाइन के नीचे आने वाला सारा शेडेड रीजन, क्योंकि आप समझ जा रहे हैं शक्ल कैसी बन रही है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 25, हाइट क्या है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो आंसर आएगा जॉल्स के अंदर वो क्या होगा, वर्क होगा ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स जब किसी बॉडी पर लगती है, ज्यादातर फोर्सेस कांस्टेंट जो मैंने बताई कौन कौन सी है वो मेंशन कर दी, ये है कांस्टेंट फोर्स की कंडीशन और ग्राफ। अब अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगी, कांस्टेंट फोर्स अगर ना हो तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो अगले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, यहां बना भी देता हूं, कुछ ग्राफ ऐसा होगा ठीक है, फिर उसके नीचे शेडेड रीजन देखा जाएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो फोर्स की जगह क्या आता है वहां पर, एफ कॉस थीटा और यहां डी, पहले बताया अगर फोर्स क्या रहे, अगर फोर्स की कीमत कांस्टेंट ना रहे और एंगल बना रही हो, यहां क्या था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी, और अगर क्या हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है तो ग्राफ किस किस के दरमियान होगा, एफ कॉस थीटा और डी के दरमियान, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही सीमत में है तो ग्राफ किस किस के दरमियान होगा, एफ और डी के दरमियान, याद रखिएगा। फिर कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा कब आता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या बना रहे हो एंगल, लेकिन जब है ही एक सीमत में फिर एंगल आप जानते हैं जीरो है, कॉस जीरो वन होता है, लिखें या ना लिखें एक ही बात। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, मेरा ख्याल है एक एक पॉइंट मैंने कवर कर दिया, अब इसको मैं समराइज करता हूं सारी चीज को, समझ ही आई कि डेली लाइफ में आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बैठ कर खाना ही दिन खाते हैं तो आप वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप यूज करें तो वर्क करें, लेकिन फिजिक्स के अंदर वर्क परफॉर्म होने के लिए आपके पास क्या है जी, दो चीजें हैं जिन पर वर्क डिपेंड करता है, एक अप्लाइड फोर्स जो बॉडी पर फोर्स लगेगी और उसके नतीजे में पैदा होने वाला डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, फोर्स की सीमत में या फोर्स के कंपोनेंट की सीमत में, फोर्स की सीमत में हो जाए तो बहुत गुड है, जैसे गधा करता है, जैसे गाड़ी पर हमने फोर्स लगाई, फोर्स की सीमत में या फोर्स के किसी कंपोनेंट की सीमत में, और किसी कंपोनेंट से मुराद एक्स कंपोनेंट, ठीक है, फोर्स के एक्स कंपोनेंट की सीमत में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाए तो वर्क की कीमत मैक्सिमम होगी या जो भी होगी आपके पास है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट फोर्स क्यों वर्क के अंदर आती है, कॉन्स्टेंट फोर्स की तारीफ क्या है, फोर्स के कंपोनेंट का जिक्र जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आपकी डेली लाइफ में हम जो एक्टिविटीज करते हैं वहां हमारी एनर्जी क्यों जाया हो रही है, क्योंकि हम एंगल बना रहे हैं, एंगल बनाना बंद कर दें, अगर हम कॉस जीरो करना शुरू कर दें तो हमारी मैक्सिमम एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, जैसे गाड़ी का इंजन बिल्कुल गाड़ी के पैरेलल होता है, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल वो गाड़ी को ड्राइव करने में चलाने में इस्तेमाल करता है, ना कि जाया करने में। इसी तरह मैथमेटिकल रिलेशन, फिर जीरो वर्क कंडीशन, मैक्सिमम वर्क कंडीशन, कुछ की पॉइंट्स जो एमसीक्यू के तौर पे आएंगे, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करेंगे, जो हमारी रूटीन में बहुत ज्यादा इर्द गिर्द फोर्सेस हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।